जीजू को दूंगा। मोदी जी, मोदी जी को दोगे? मोदी जी ने क्या किया है? क्या किया है? उसका हवा चल रहा है तो उसके। अच्छा, हवा पे दे दोगे? मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा। वो बंगाल में नहीं है फिर भी इतना कुछ किया, लॉकडाउन में इतना सारा उन्होंने राशन दिया है, वरना उनके जगह पे मनमोहन सिंह होते तो हम लोग भूखे ही मर जाते। अच्छा, आप ये बताओ कि यहाँ पर राज्य में तो है पर सरकार ममता बनर्जी की, लेकिन राशन आपको मोदी जी दे रहे हैं? मोदी जी ने वहाँ से सारा पास किया, इसीलिए तो फ्री में इतना सारा राशन मिला है। हम लोग एडुकेटेड है, इतने भी है नहीं है कि जो वोट के लिए झूठ बात बोलता है, यही करेगा वही करेगा सही करेगा। मोदी सरकार कितना दिन, 2 महीना चल दिया, और दीदी कितना दिन चल देता, अभी तक देता है, तब जाके उनको चंडी दी माता याद। मुझे लगता है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत पढ़ते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा बात नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बाकी न्यूज वगैरह तो सब देखते ही रहते ना, तो ये एक तरफा न्यूज। तो तुम्हें तो सोच के वोट देना चाहिए, हवा पे थोड़ी वोट जाता है। हाँ, की बोले तो वो जय आसपे सही ओडा कमी घोषे, जय लंका जाबे सही रावण होबे, की बोलबो जय आसपे कुदी तो सही चोरी करबे, जो आएगा वो तो चोरी होगा, जो लंका में जाता है वही रावण होता है, यही बात है। दीदी आपको लगता है कि आनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि परिवर्तन चाहिए? आपको लगता है कि आनी चाहिए? आनी चाहिए हमको, वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए। তাদের একটা নেতা পেনশন সে 5 বছরের জন্য সে লাইফ পেনশন পাবে, আমরা 60 বছর কেটে আমরা কোনো পেনশন পাবো না, কাকে আনবো বলুন আমরা। ये बोल रहे हैं कि जो भी आएगा वो चोरी निकलेगा, हम तो हम अपने काम करते हैं उसको पैसा हमको मिलता है, और पेंशन के बारे में जो है वो पहले हमको मिलता था लेकिन अभी तो 60 बरस के बाद में वो भी नहीं मिलेगा, तो हम किसको लाएंगे, तो किसको लाएंगे। नमस्कार, द नेशन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। और हुबली और हावड़ा में 6 और 10 तारीख को मतदान होना है, आज 5 तारीख है, और हम यहाँ पर फिलहाल जो लोकल ट्रेन है पश्चिम बंगाल की उसमें हम मौजूद हैं, और हमने सोचा कि क्यों ना लोकल ट्रेन में आकर यहाँ पर लोगों से ये जाना जाए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ महिला बोगी में हूँ, और ये माना जाता है कि जो महिला वोट बैंक है वो ज़्यादातर दीदी की तरफ है, यानी कि ममता बनर्जी को, TMC को सपोर्ट कर रहा है। क्या वाकई में यही सच्चाई है या फिर महिला वोटर कुछ और सोचता है? ये 45 मिनट का लगभग सफ़र है, हम जाएंगे हावड़ा से हुगली और फिर कोशिश करेंगे कि हुगली से फिर हावड़ा आएं, ताकि अलग अलग बोगियों में जाकर हम लोगों से बात करें। मेरे लिए भी मुश्किल है, ये पहली दफ़ा है मेरे लिए कि मैं इस तरह से लोकल ट्रेन में चढ़कर यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सबसे ज़रूरी होता है कि आप वहाँ बड़े शहरों में जाकर, उन लोगों के बीच जाकर, बड़े बड़े मार्केट्स में जाकर आप जान लेते हैं लोग क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो आपको हर तबके के लोग यहाँ पर महिलाएं नजर आएंगी, और यहाँ उनसे उनके मन की बात जानना बेहद जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के CM हैं, वो कल यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने रैली की महिला सुरक्षा की, वो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि महिलाओं को अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आती है, यानी कि BJP की सत्ता अगर यहाँ पर आती है तो महिलाओं को और सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन खुद उनके स्टेट में क्या हो रहा है वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये भी जानेंगे हम यहाँ मौजूद महिलाओं से, क्या वाकई में वो असुरक्षित यहाँ पर महसूस करती हैं ममता के राज में, या फिर उनको परिवर्तन चाहिए या फिर दीदी ही चाहिए? थोड़ा मुश्किल होगा बात करना, लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ। आप बात करना चाहेंगी? अच्छा, बस मुझे बताइए कि अभी ममता दीदी की यहाँ पर यह सरकार है, आप उससे खुश हैं? बिल्कुल, हमें खुबी खुशी। अच्छा, आपको लगता है अनेक मैंने अनेक परिवर्तन इससे छेले मेरे अनेक लेखा पढ़ा है, শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক উন্নতি এসেছে, তো দিদি আসাতেই উন্নতি দেখতে পেয়েছি, আর দিদি আসাতে খুব খুশি, আর আমরা চাই দিদি থাকুক, দিদি থাকুক। दीदी आने के बाद ही उसने परिवर्तन इन लोगों ने देखा है, और दीदी आने के बाद ही जो काम हुआ है वो दीदी के आने के बाद ही हुआ है, इसीलिए ये अभी इस दफा के वोट में भी इन लोग दीदी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या सोचती हैं? आप क्या सोचती हैं? परिवर्तन একটা চাই, কিন্তু সেটা কি হলে বুঝি, বিজেপি আসলে হবে না তৃণমূল, আমরা মোটামুটি পরিবর্তন চাই, সেটা যাকে দিয়েই হোক না কেন, বেশ এইটুকুই বলতে চাই। परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन वो BJP है क्या, यही सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? BJP आसुक बा तृणमूल आसुक, आमरा परिवर्तन चाहिए। अच्छा। जरा आमरा निजेदेरके ठीक करे मेंटेन करे चलते पारी। मतलब परिवर्तन तो चाहिए आपको, परिवर्तन चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सत्ता परिवर्तन हो। कोई राजनीतिक परिवर्तन चाहिए, लेकिन वोट हमारे लिए हो, हमारे अगेंस्ट नहीं, हमारे
सुविधा हो। अच्छा आप मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन खुद उनके स्टेट में हम जाते हैं तो हर रोज लगभग हमें रेप की वहाँ की घटनाएं और वहाँ किस तरह का जंगल राज है वो देखने के लिए मिलता है। तो आपको उनकी बात पर यकीन होता है? आपको लगता है कि अगर यहाँ पर मोदी हुकूमत आती है तो क्या आपको यहाँ असुरक्षा की भावना होती है? अभी तक तो असुरक्षा का भावना ये तो नहीं है, हमारे बंगाल में अभी सब सेफ है, ठीक है, अभी हम लोग ठीक से जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा परिवर्तन इसके लिए हम लोग भी कंफ्यूज में है, अभी तक हम लोग सेफ नहीं, लेकिन इसके बाद रहेंगे कि नहीं ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन अगर दीदी रहती है तो आपको लगता है कि सेम रहेगा और अगर परिवर्तन होता है तो आपको कहीं ना कहीं डर है? हाँ, दीदी ने तो बहुत कुछ ही किया है तो सेफ तो अभी तक हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन जैसे दीदी अभी गरीबों को 2 रुपए किलो चावल दे रही हैं तो बीजेपी ने कहा हम 1 रुपए देंगे, तो आपको लग रहा है कि लालच दिया जा रहा है? लालच तो है, लेकिन ये कोई दान धन का तो नहीं है ना, हम टैक्स देते हैं, हम उसका उससे ही हमको राशन मिलता है, हमको ये 1 रुपया 2 रुपया का तो हमारा उन लोगों का देना कहीं कुछ नहीं है, हम तो टैक्स देते हैं इसके लिए हम लोगों को राशन मिलता है, ये जब जो किस्त भी मिलता है, हाँ सब्सिडाइज मिलता है, लेकिन फिर भी इतना तो ये दिखाना नहीं है कि हम सरकार है इसलिए कर रहे हैं, जो भी आए हम लोगों को काम करने के लिए एवल बन, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, हाँ काम करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, सभी लोग काम करने के लिए तैयार है और लोगों को हक का पैसा मिलना चाहिए, कोई दान का पैसा नहीं, जो ही सरकार आए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लगभग सभी महिलाओं को आप सुन रहे हैं, अभी जाहिर सी बात है हम ट्रेन में हैं और यहाँ से अभी बराबर से ये ट्रेन गुजरी है, उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, थोड़ा सा आप बर्दाश्त करिए, हम आपके लिए ही मेहनत करें ताकि आपको जो वोटर है उसके बारे में हम जान सकें। यहाँ पर भी जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे भी मैं बात करूँगी, आप बताइए दीदी, दीदी थाकबो? दीदी चाहिए, मोदी चाहिए, दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, तो दीदी दीदी जो कहती है कि सारी महिला उनके साथ है ये सच है? सच है। तो दीदी ने क्या किया आपके लिए? बहुत, ट्रेन बंद था, हम लोग 8 महीना भूखल मर गए थे, ट्रेन चलाया है तो हम लोग खाना सकड़े, यही कारण है हम लोग को दीदी चाहिए। अच्छा, ये लोगों को क्यों परेशानी है कि जब ये कहा जाता है कि गरीबों को 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है और जैसे या माँ कैंटीन दीदी ने चलाई है या जो कुछ गरीब थे जिनका अम्फाल में जिनके घर भर हो गए उनको घर दिए हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि ये दान है या दीदी ने सही किया? दीदी ने सही किया, सही किया, सही किया। अच्छा, तो दीदी दीदी गरीबों की सरकार है अमीरों की नहीं? ये तो हम नहीं बोल सकते, जैसे हम लोग के किया, हमको लिए दीदी भगवान है एक तरफ से, इसलिए हम लोग के लिए दीदी ये ठीक है। और आप बताओ? दीदी ठीक है। अच्छा, और आप बताइए? ठीक है दीदी, यहाँ पे ठीक है, जनता के लिए बहुत कुछ किया है यहाँ। अच्छा अच्छा, आप ही बताइए कि अगर रात को देर सवेर आप निकलते हो कहीं काम पे जाते हो आप, तो आपको सुरक्षित लगता है? हाँ, बहुत सुरक्षित है। लेकिन जो योगी जी हैं यूपी के, वो तो कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तो आपको सुरक्षा देंगे, अभी आप सुरक्षित नहीं हो? नहीं, बहुत सुरक्षित है यहाँ पे, झूठ बात बोलता है, वोट के लिए झूठ बात बोलता है, यही करेगा वही करेगा सही करेगा। मोदी सरकार कितना दिन, 2 महीना चल दिया, और दीदी कितना दिन चल देता, अभी तक देता है, फ्री में देता है, वो सब झूठ बात बोलता है, वो सब कहता है देगा, सिर्फ देगा देगा, देता नहीं है, देता कोई नहीं देता। तो यही आप ये देखें कि एक ही भावना भी है कि ये सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, यहाँ पर जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं या फिर यहाँ पर मंत्री आ रहे हैं जो वादे कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि सिर्फ अभी वादे ही किए जा रहे हैं और उसको अभी तक किसी भी तरह से जनता तक जो है नहीं पहुंचाया गया है। यहाँ महिलाएं हैं ज्यादातर और ज्यादातर का एक ही मत यहाँ पर नजर आ रहा है कि बंगाल में, बंगाली में अगर मैं बोलूँ तो दीदी थाकबे, दीदी चाई। तो अभी यहाँ पर एक बोगी में यहाँ पे जो कि महिला बोगी है, आगे भी है महिला बोगी जिसमें हम जाएंगे उसमें भी बात करेंगे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं उनका, ज्यादातर महिलाओं का एक ही मत है कि दीदी ने उनके लिए काम किया है, उनको दीदी ही दोबारा से चाहिए। और अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो उनका ये कहना है कि उनके सिर्फ वादे हैं, अब तक वादे किए हैं और कुछ नहीं किया है,
जहां जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां और नए वादे गढ़े जाते हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया जाता है। आगे और भी हम बोगी हाउस पर जाएंगे और आपको बताएंगे कि और भी महिलाओं का क्या सोचना है। 45 मिनट का ये सफर है और इस 45 मिनट के सफर में हम आपको अलग अलग बोगी में जाकर हम बताएंगे कि लोगों का क्या सोचना है। दीदी, आपको लगता है कि आनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि परिवर्तन चाहिए? आपको लगता है कि आनी चाहिए? आनी चाहिए। हमको वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए। अच्छा, एकदम। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो हथरस का केस हुआ, जो लड़की लोग से जो जितना सा परी मतलब जो रेप का जो केस हुआ, जो उत्तर प्रदेश में लड़की लोग एकदम सेफ नहीं है, तो हमको वेस्ट बंगाल में। लेकिन वो तो बोलते हैं कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो आपको और सुरक्षा देंगे। हमको और सुरक्षा नहीं चाहिए, जहाँ पर हम वेस्ट बंगाल पे रह के हमको नागरिकता का वो परिचय देना हो रहा है। हम इंडिया होके भी इतना दिन से हम नहीं सोचे इस बारे में, अगर मोदी आएगा तो वो सॉरी तो हमको वो उसके लिए सोचना होगा, तो हमको वैसा परिवर्तन नहीं चाहिए। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है बात करना यहाँ लोगों से, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। आप बात करेंगे, आप बताएंगे आपको क्या लगता है, अभी आपको परिवर्तन चाहिए या आपको लगता है कि दीदी थाकबे? কি বলবো, কোনোটাই নাই। যেই আসুক না কেন সেই তো, আমাদের ফায়দাটা কি আছে বলুন? আমরা কর্ম করছি, আমাদের কর্মজীবনে কোনো লাভ নেই। পেনশনটা তুলে দিল তাদের একটা নেতা, পেনশন সে 5 বছরের জন্য সে লাইফ পেনশন পাবে, আমরা 60 বছর কেটে আমরা কোনো পেনশন পাবো না, কাকে আনবো বলুন? আমরা মজবুরিতে আমাদের ভোট দিতে হবে, যাকে ভালো লাগে এখন সেইভাবে দিতে হয়। ये बोल रहे कि जो भी आएगा वो चोर ही निकलेगा, हम तो हम अपने काम करते हैं उसको पैसा हमको मिलता है। और पेंशन के बारे में जो है वो पहले हमको मिलता था, लेकिन अभी तो 60 बरस के बाद में वो भी नहीं मिलेगा, तो हम किसको लाएंगे, तो किसको लाएंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है, आप यंग हैं, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, वोट तो दोगे ना, किसको दोगे? कुछ तो मन में विचार किया होगा। हाँ, क्या किया है? मोदी जी को दोगे? मोदी जी को दोगे? मोदी जी ने क्या किया है? क्या है, उसका हवा चल रहा है तो उसका। अच्छा, हवा पे दे दोगे? हैं, हवा चल रहा है तो दे दोगे ये अपना वोट जो है, ऐसे ही कर दोगे? हाँ, तो तुम तो युवा हो, जिम्मेदार हो इसके कंट्री के, तो तुम्हें तो सोच के वोट देना चाहिए, हवा पे थोड़ी वोट जाता है। हाँ, की बोले दे वो जेई आसपे सही ओरा कमी को उसमें जेई लंका जाबे सही रहा बोना होबे की बोल वो जो आएगा वो तो चोरी होगा, जो लंका में जाता है वही रावण होता है, यही बात है। से है मोदी जी वहाँ पर? नहीं तो 7 साल से है, पर ये नतीजा आपका कोविड से पहले किस नतीजा नहीं है, ये कोविड के बाद के नतीजे है जो आप अभी बता रही हैं। जब कोविड के दौरान, जब सब जगह पर जब तेल के दाम गिर रहे थे, जब पेट्रोल डीजल के दाम गिर रहे थे, तो इंडिया में तेल के दाम जो है वो बढ़ रहे थे। जब सब जगह कच्चे तेल के दाम कम थे तब भी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर कई गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी और ये सब लगाई हुई थी, तो फिर भी आपको लगता है? देखिए, हमको आशा है कि डेवलपमेंट यहाँ पे मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की राजनीति ममता दी कर रही है वो एकदम बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये ठीक लगता है कि अगर वो कहती हैं कि अगर ममता दीदी आएंगी तो पाकिस्तान बन जाएगा, अगर वो यहाँ पर कहते हैं आके जय श्री राम की बात करते हैं, या फिर वो होली मुबारक भी कह दो तो उस पर भी एतराज होता है, तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, आपको लगता है कि ये ऐसा सब कुछ हो जाएगा अगर ममता रहती है? उनके रहने से मतलब वो तो खुद छिड़ जाती है। देखिए, वो तो खुद हिंदू हैं, ठीक है, और ज्यादातर उनके जितने भी MLA हैं वो भी उनके हिंदू हैं, उनका ज्यादातर जो वोट बैंक है वो भी हिंदू है, फिर भी क्यों आपको लगता है? नहीं, वो खुद छिड़ जाती है, वजह तो उन्होंने दिया है ना, उन्होंने वजह दिया है कि चिढ़ जाने के लिए, वरना ऐसा कुछ नहीं था। आप देखिए, बंगाल में आज तक जितने दिन हम रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो दुर्गा पूजा की भसान वगैरह ये सब होती थी उसकी टाइमली चेंज हो जाती थी, या टाइम होता था कि इतने बजे से इतने बजे तक में भसान हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं सुनी थी। पर ये क्या करती है कि मुहर्रम एंड ऑल ये सब जब होता है तो ये रख के उन लोगों को ज़्यादा अपलिफ्ट दिया जाता है। धर्म ज़्यादा ज़रूरी या फिर विकास? विकास ज्यादा जरूरी है, पर वो राजनीति ममता दीदी खेलती हैं ये ताकि उनका वोट बैंक सेफ रहे। अच्छा। अभी देखिए आप, इससे पहले अभी तक कहीं पे जाके उन्होंने मंदिर में जाके कहीं पे पूजा पाठ वगैरह, उन्होंने तो चंडी का पाठ उन्होंने तो खुद मंच से किया है, अभी किया है, लेकिन वो तो हमेशा से हारने का पूरा डर हो गया है, बंगाल पूरा सरकार उनका गिरने का डर हो गया है, तब जाके उनको चंडी दी माता याद। मुझे लगता है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत पढ़ते हैं।
नहीं वो ऐसा बात नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बाकी न्यूज वगैरह तो सब देखते ही रहते ना, तो ये एक तरफा न्यूज है। ममता दीदी को तो मतलब बोलने ही नहीं आता है, कैसे एक सीएम को बोलना चाहिए वो उनको नहीं पता है। मैंने योगी जी जो भी है, अमित शाह, मनमोहन सिंह, किसी भी ये लीडर्स को मैंने वैसे बात करते नहीं सुना जैसा ममता दीदी करती है। अच्छा, जैसे क्या? अच्छा, मेरे नजर में मतलब लेडी को वैसे नहीं बात करना चाहिए। अच्छा, नहीं अगर अगर मोदी जी या फिर योगी जी आते हैं और ताली बजा बजा कर उस तरह से जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह के उनके भाषण होते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं? ताली बजा के तो नहीं पता, बट एक तरफ सीएम ममता दीदी को देखा जाए और दूसरे सीएम्स को मैं देखती हूँ तो वहाँ पे मुझे ऑल सबका लीडर्स का वो बोलने का अच्छा, स्पीच अच्छा लगता है। बट दीदी किसी का भी मजाक उड़ा देती है और उनके ऊपर कुछ किसी का किसी कोई लीडर कैसे बोलता है इस पर आप वोट करना चाहते हो, या फिर विकास कौन कितना कर रहा है, नौकरी कौन कितना दे रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा। वो बंगाल में नहीं है फिर भी इतना कुछ किया, लॉकडाउन में इतना सारा उन्होंने राशन दिया है, वरना उनके जगह पे मनमोहन सिंह होते तो हम लोग भूखे ही मर जाते। अच्छा, आप ये बताओ कि यहाँ पर राज्य में तो है पर सरकार ममता बनर्जी की, लेकिन राशन आपको मोदी जी दे रहे हैं? मोदी जी ने वहाँ से सारा पास किया, इसीलिए तो फ्री में इतना सारा राशन मिला है। हम लोग एडुकेटेड है, इतने भी है नहीं कि जितनी भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, लगभग सभी का एक ही मत है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने इसीलिए आपको सबको एक एक करके सबसे मैंने आपसे बात करवाई है ताकि आपको एक फेयर पिक्चर जो है वो देखने के लिए मिल जाए। तो दीदी के लिए ये विन विन सिचुएशन कम से कम महिलाओं को लेकर तो है कि महिलाएं ये सोचती हैं कि दीदी ने काम किया है, और कहीं ना कहीं जो एक महिला सेंटिमेंट एक दूसरी महिला के साथ जो है वो भी जुड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आने वाली 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, दो हिस्सों में यहाँ पर वोटिंग है, और यहाँ का जो मतदाता है वो ये चुन रहा है कि उसको आगे क्या करना है।